अस्सलाम वालेकुम, आपके पास आल्टो है और आप स्पेयर व्हील की वजह से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने भी आल्टो ली लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ इस बात पे कि इसके साथ तो स्पेयर व्हील नहीं आता। हमने हर जगह मूव करना होता है, गांव में मेन सड़क पे, स्पेयर व्हील के बगैर तो इसका कोई मामला ही नहीं था। तो मैंने इसको सर्च करना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि सुजुकी में जो आल्टो है इसकी जो प्रॉपर फिटिंग में इसका पूरा सामान आता है और वो आपको सुजुकी वालों की जहाँ से आपने गाड़ी परचेज़ की होती है उनके पास डीलरशिप से अवेलेबल होता है। तो मैंने फ़ौरी तौर पर उनसे रابطہ किया तो उन्होंने मुझे इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया और कहा कि आप आके इसको लगवा लें। तो उन्होंने इसकी जो प्राइस बताई वो 27,000 थी विद स्पेयर व्हील और साथ में जो उसका होल्डिंग स्टैंड आता है। तो मैं फिर उस वहाँ पर चला गया तो सुजुकी मैंने जो आल्टो है वहाँ पर जो नट बोल्ट के लिए भी जगह छोड़ी गई है। हालांकि इसको चाहिए ये था कि जब ये गाड़ी आप किसी को फरोख्त करते हैं तो उस वक्त इसके साथ आप ऑप्शन भी दे दिया करें कि जनाब आपने गाड़ी जो है वो विद स्पेयर व्हील लेनी है कि नहीं लेनी। अब बाद में 28,000 रुपया निकालना मुश्किल हो जाता है। तो खैर ज़रूरी थी तो वहाँ पर पहुँचे, तो जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने फिर बताया कि हमारे पास जो इसका स्टैंड होल्डर वो अवेलेबल है। फिर उनको पेमेंट करने के बाद वहाँ पर स्टैंड लगाया और जो स्टैंड वाली वीडियो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इसको लगा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए ना तो यहाँ पर मतलब आपके जो लगेज वगैरह है वो भी वहाँ पे आ सकते हैं, उसके लिए भी जगह अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके ऊपर इन्होंने कवर करने के लिए एक पूरा जो ऊपर कपड़ा भी लगाया हुआ है और वो पूरा सेट ऊपर लग जाता है जिससे आपके जो सामान वगैरह है वो भी सेफ रहता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जैसे ही आप इसको परचेज़ करें तो साथ में जो है ना इसका ये स्पेयर व्हील टायर का जो मामला ये ज़रूर हल कर लिया करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये सारी की सारी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसी हुई है और इसको आप देखिए। शुक्रिया। किधर है आपका? हाँ हाँ ठीक हो गया, यानी इसको ढीला करेंगे तो फिर साइड से निकल जाएगा। ठीक चलो। अच्छा टायर साइज का स्टैंडर्ड है या छोटा है? छोटा है, स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड ही है ना। हाँ स्टैंडर्ड वो जैक इतने लाया ना, जैक की जगह आप ठीक है ना। हम्म,
और Gracias.